वॉक डिक्लेयर करूंगा। ये सारे दावे धरे के धरे रह गए, अपने बुजुर्ग के लिए नई गाड़ियां, सरकारी अपने जो महल्लात थे उनकी ताजीन और आयश में दंग रह गया जब मैंने बुजदार साहब की सरकारी रहायश का दौरा किया कि किस तरीके से अवाम के पैसे को बेदर्दी से लगाया गया, इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया, शहाना फर्नीचर मंगवाया गया। आप कभी जाएं, हम आपको दिखाएंगे कि ये बुजदार जिसके घर में कहते थे बिजली नहीं है इसलिए उसको वजीर आला बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाए उसने वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटेरिएट की ताजीन और आइश पर। हमने तो कभी ऐसे अखराजात नहीं किए थे। अब समझ आती है कि कौम का पैसा कहां गया। वो सिर्फ फरा गोगी ने नहीं लूटा, पोस्टिंग ट्रांसफर की मत पर, और हमें फख्र है, हमने तमाम अफसरान, वो पुलिस के हों वो इंतजामिया के हों, मेरिट पर तैनातियां की हैं। इनकी तरह उन लोगों को अफसरान, उन अफसरान की तैनाती नहीं की जो तीन तीन चार चार करोड़ देकर अफसर लगते थे और फिर अवाम से वो पैसा वापस कमाते थे। जिसने 3 करोड़ देकर अफसर लगा उसने 6 करोड़ कमाया, जो 4 करोड़ देकर लगा उसने 10 करोड़ कमाया। हमें फख्र है अल्लाह ताला के फजल से तमाम अफसरान की तैनातियां मेरिट पर हुई हैं। यही वजह है कि आज पंजाब में जब सस्ता आटा स्कीम के तहत जो 10 किलो का थैला है आटे का वो 490 रुपए का बिक रहा है, तो ये 16 अरब की महाना सब्सिडी है जो आटे की मद में जा रही है। और मैं आज नान बाई एसोसिएशन वालों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने आटा सस्ता कर दिया, नान और रोटी की कीमत में कमी की जाए, और हम बहुत जल्द एक वफ तश्कील देंगे जो नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। और क्योंकि सस्ते आटे की फरामी को पूरे पंजाब में यकीनी बनाया जा रहा है, यह सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी है जिसकी काबीना ने तौसीक की है, और वजीर आला की खसूसी हिदायत पर हरे बैग में यह आटा हर जगह दस्तियाब है, उसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। उसके लिए हर जिले में अफसरान को और सियासी जो रहनुमा हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि वो रोजाना की बुनियादों पर इस जमन में वजीर आला को रिपोर्ट पेश करें। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जिम्मे बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों का कंट्रोल भी जिम्मे किया गया है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल किया गया है पूरे पंजाब में। और हमने पंजाब के बॉर्डर्स को उस पर बड़ी कड़ी निगरानी का फैसला किया है कि ये सस्ता आटा स्मगल ना हो, और जो पंजाब से बाकी अशियाए खुर्दनोश पंजाब से बाहर भेजी जा रही थी उनको भी रोका जाए ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई किल्लत पैदा ना हो। मगर बावजूद इसके कि हमने 2 दिन पहले ऐलान किया कि जो खतूत हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिखे, और क्योंकि वो गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा नहीं कर सके, एक दाना गंदम प्रोक्योर नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख का टारगेट पूरा किया, 50 लाख टन का। और जो खतूत लिखे गए हैं मैं दोबारा दावत देना चाहता हूं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि वो आए और याददाश्त का एक मुआहदा साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको भी अच्छे निरखों पर हम गंदम फराहम करेंगे इंशाल्लाह। और ये पंजाब का फर्ज है कि जहां पर गंदम की किल्लत है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। तो ये जो दौर है इंशाल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं, तजर्बेकार टीम मौजूद है, और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद भी इकदामात किए जा रहे हैं जिसका बहुत जल्द वजीर आला पंजाब खुद ऐलान करेंगे। और मैं ये भी वाजे करता चलूं कि पंजाब काबीना के तमाम वुजरा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को
बिल्कुल अपने तक ख़त्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे, सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी ज़ाती जेब से होगा। ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियां शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया अपनी जेब से खराजात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मज़ीद भी इसमें इकदामात लेंगे और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया, उसमें महकमा ख़जाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मज़ीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मज़ीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुँचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर खर्च होना है और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहायशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है और इंशाल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी, मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज का ऐलान किया जाएगा और वजीर आला ने यह फैसला किया है कि इनकलाबी इकदाम किए जाएं। और ये जो इमरान न्याजी साहब ने इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया, डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान, बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है, क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। पिशावर, तो ये पिशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहां पे इसकी हुकूमत थी, ये इससे बुजदिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। के जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी गारा जाकर रात सोते, मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी गाला नहीं सोना, वापस पिशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पिशावर को गए और वहां जाकर पनाह ले ली। वहां क्योंकि सरकार है, हुकूमत है, सरकारी अखराजात होते हैं, आज भी इमरान न्याजी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। जो मिनरल वाटर की बोतल पिशावर में ये पीता है वो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पैसों से आती है। वहां पर इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए के अखराजात लगते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है। ये इक्तदार से निकला है मगर इसकी बुरी आदतें नहीं गई, ये आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करोड़ों रुपए रोजाना पड़ते हैं इस बात के कि ये वहां पर शहाना अखराजात करता है। रोज इशाइये और जोराने दिए जाते हैं, रोज वहां पर सिक्योरिटी पर, पेट्रोल पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्योंकि ये बुजदिल है और ये हुकूमत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये इक्तदार से निकला, इसकी वो हालत हो गई है जो मछली की हालत होती है पानी से निकलकर, ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक्वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ, और उसके बाद इसने कहा कि मुझे निकाला है तो मेरे बगैर ये मुल्क खुदा ना खास्ता तीन टुकड़े हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में खाक। ये मुल्क 27वीं रमजान की रात मार्ज़े वजूद में आया, ये मुल्क खुदादाद अल्लाह ताला की देन है और ये ता क्यामत कायम रहने वाला मुल्क है अल्लाह ताला के फजल से। तुम नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, मगर ता क्यामत मुल्क खुदादाद पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क्यामत सलामत रहेगा, कायम दायम रहेगा। तुम इक्तदार से निकले हो और मुल्क तोड़ने की बातें करते हो,
तुम इख्तदार से निकले हो तो मुल्क के एटमी असासों पर बात करते हो, इस मुल्क के एटमी असासों के लिए जान भी कुर्बान है। हमारी हुकूमत का एक एक फर्ज जान देने को तैयार है। तुम्हारी तरह झूठे दावे नहीं है, तुम्हारी तरह जेलों से डरे नहीं, तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में भाग के पेशावर नहीं गए। मुल्क की मईशत को तबाह किया, महंगाई में इजाफा किया, कर्जों में इजाफा किया, और आज भी सरकारी अखराजात पर पानी की भी जो एक बोतल है पेशावर में वो भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तुम्हें स्पॉन्सर करके देती है। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म ना आई इस मुल्क को तोड़ने की बात करते हुए। ये तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा जब से तुम इख्तदार से निकले हो। मगर हमने पंजाब में जो ज़हनी अमराज के माहिरीन हैं, मैं बतौर वजीर उनको तलब करूंगा, और तुम्हारी साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन का फैसला मैंने किया है कि ये एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और जो ज़हनी अमराज के माहिरीन हैं उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी तकरीरें, तुम्हारे तजादात और मफाद परस्ती में, इंतकाम की हवस में जो तुम अंधे हो जाते हो, क्या तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बरकरार भी है कि नहीं है, जो तुम पाकिस्तान के टूटने की खुदा ना खास्ता बात करते हो कि मैं इख्तदार में नहीं रहा तो ये मुल्क भी ना रहे खुदा ना खास्ता। तो ये इस मुल्क की एक एक जर्रे पर अपनी जान निछावर करेंगे अल्लाह ताला के फजल से। और तुमने जो तबाहकारियां की हैं उसका खमियाजा वाम भुगत रहे हैं आज, और हमने आने वाले दिनों में बहुत बड़े रिलीफ पैकेजेस का मंसूबा बना लिया है। बहुत जल्द अवाम के सामने आटे के बाद मजीद कुछ अशिया पर भी सब्सिडी का ऐलान किया जाएगा। हम मुकदमात भी फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बावजूद भी डिलीवर करेंगे और इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल कर दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।